अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय विद लाइफ यूट्यूब चैनल पे है न्यू। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, आज का बहुत ही प्यारा सा दिन स्टार्ट हो गया है हमारा दर्द के साथ वल वल वाली। तो अभी मैडम रीना जा रहे हैं बाहर, तो आप मुझे कॉल किया। मैं ठीक है और मैं सोनी लगती हूं, ठीक है मैं सोनी है ना। चलो गाइस, हां तुम बहुत प्यारी हो, मैं दसिया तो हमारा ना सही ना की पई सी वीडियो जड़ी बहुत बढ़िया लग रही सी, मतलब की दसा को चला के दस सोना है। हां जी आज तो रिया कोड़ा बस तो गाइस हम लोग आ गए हैं इधर कुल्फी खाने, हम लोग इधर आए हैं कुल्फी खाने। अमाड़ा ने ली है कुल्फी और मैंने ली है ये, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी आज सुबह, और करा मैंने नाश्ते में ना आलू वाला पराठा खा लिया तो मेरी तबीयत, मेरा ना तबीयत ख़राब हो गई है। और सुबह सुबह आदत नहीं ना है घी वाली रोटी खाने की, तो हो जाता है फिर सुबह से मेरा हालत ख़राब हुई। तो मैंने ना पैनाडोल ली है और ये लिया, मैं सोच रही हूँ मैं इधर ही बैठ के ना दो पैनाडोल और ये इसके साथ पी लूँ और आपसे कुछ बातें करते हैं यहाँ पर बैठ के। अच्छा मारा मुझे बता रही थी, एक कमेंट आया वो कह रहा बाहर जाओ वीडियो बनाओ, आगे का वीजा लगवा लो बाहर जाओ। गाइस आपको क्या हो गया, इतनी पेमेंट नहीं आई तो बाहर थोड़े से पैसे आए। आप लोग वीडियो ही नहीं वॉच करते हैं। हाँ जी आप लोग फुल वीडियो वॉच नहीं करते हैं, वॉच करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, फिर बाहर के वीजा लगेंगे। जो फुल वॉच करता है ना तो फिर उसके मतलब होता है ज़्यादा व्यू हो ना फिर ज़्यादा। अब जिन्होंने वीडियो बनाई होती है ना कि हमारे ये देखो इतने लाखों रुपए आ गए, उनके व्यू देखे 1.5 लाख होते हैं नीचे या 2 लाख 3 लाख, इस तरह व्यू हो ना फिर ज़्यादा पैसे मिलते हैं। 3-4 हज़ार 5 हज़ार हमें व्यू आ रहा है अभी, तो अभी हमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिले। आप लोग, मैं आपको बताती हूँ कितने मिले हैं, कई लोग पूछ रहे हैं कितने पैसे मिले हैं, आपको मैं बता देती हूँ अंदाज़न, आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, क्योंकि अगर हम फुल मतलब एग्जैक्ट पेमेंट नहीं बता सकते, कम्युनिटी है ना हमारा उनके कम्युनिटी के खिलाफ होती है, एग्जैक्ट पेमेंट तो नहीं बता सकती हूँ उनके करीब बता देती हूँ, उसके करीब करीब बता देती हूँ, आप बहुत हैरान होंगे क्योंकि। और आप ये सोचें हम सच कह रहे हैं, क्योंकि आप ये भी देखें हमारे व्यू थोड़े हैं, आप सोचेंगे कहीं झूठ बोल रही है, मुझे पता है आप लोग यही सोचेंगे, क्योंकि जो व्यू आ भी रहे हैं ना इन व्यू से अच्छी पेमेंट मिल सकती है, लेकिन वो फुल वॉच नहीं कर रहे हैं आप लोग। कुछ लोग फुल वीडियो वॉच करते हैं, कुछ लोग हाफ देखते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी देखते हैं, तो इस वजह से हम लोगों को पेमेंट बहुत कम आई है। और वॉच यार कम है, वॉच ज़्यादा क्या करें वीडियो का। हाँ जी पेमेंट है 30-35 के दरमियान। हाँ जी ये सच है, 35 के ऊपर नीचे है, 35 हज़ार के ऊपर नीचे पेमेंट है। तो अब आप यकीन करें इस बात पे, क्योंकि हमारे व्यू ज़्यादा नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है भी, इस वजह से कम है। लेकिन जैसे जैसे व्यू ज़्यादा होंगे ना तो वो फिर आती है ज़्यादा, लेकिन अभी हमें ज़्यादा नहीं आई है तो बाहर का वीज़ा कैसे लगवाएं हम, ये भी तो सोचें ना कि अभी हम बाहर नहीं जा सकते ना अभी हम घर ले सकते हैं। और यह हकीकत है, अगर हम वीडियो बनाएंगे आपके साथ ही हर चीज़ शेयर करते हैं घर बनाएंगे तो। एक मिनट वो ट्रक गुजर ले, एक और आ गया, इसकी वजह से ना आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। आगे कल हमारा कमेंट आया था कि आवाज़ नहीं आ रही, आपको कहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लग रहा जब मैं वो हम लोग चिंची में बैठे हैं ना, बाहर नहीं जाना, पहले हम लोग अपना घर लेंगे। हाँ अगर घर सही नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो हम पहले, अल्लाह ने अगर हमारे नसीब में हमारी ज़िंदगी हुई इतनी कि हम अपने घर में न्यू में ज़िंदगी जी सके, तो अल्लाह का हुक्म इस बात पे हुआ, अल्लाह ने चाहा। हाँ अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने कबूल होया तो असी ज़रूर घर दे जावांगे नवे, अल्लाह ने मंजूर होया तो हम लोग ज़रूर जाएंगे न्यू घर में, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो, अगर हमारी किस्मत में लिखा हुआ हमारे नसीब में लिखा हुआ तो ज़रूर, वरना फिर कोई बात नहीं, ज़िंदगी है मर तो जाना ही है, कौन सा हमने यहाँ हमेशा बैठे रहना है, कोई बात नहीं जैसा भी घर है अपना तो है ना गाइस, ये बात देखे कि अपना है हमारा, किसी की कोई रोक टोक नहीं है, किसी की कोई
नहीं है, अपना जैसे मर्जी रहो, उठो बैठो सो जो मर्जी अपने घर में। किराएदारी पे होता है ना बड़े ढोले होते हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं। हमने बहुत किराएदारी पे ज़िंदगी गुजारी है तो बड़ी मुश्किल होती है। होटल ना ये पड़ी है, ये लोग खोलना ज़रा, मैं पैनाडोल खा लूँ। मैं भी मैंने ना अभी लेके पड़ोस में रखी है। हमारा मैनु लग रहा है मैं सोनी नहीं लगती पाई है। चल जिस तरह की भी लगती पाई है कोई गल नहीं। चलो गाइस, हमारा ये लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, हमारा ये लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि आरजे भाई कौन है, आरजे कौन है। तो हम ना आपको उनका लिंक डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, उनका यूट्यूब चैनल का, आप लोग जाकर उनको देखें, आपको पता लग जाएगा वो कौन है। बहुत अच्छे हैं गाइस। जो फ्लावर हमने एक वीडियो बनाई थी ना हमारे, उन्होंने फर्स्ट टाइम हमारी ज़िंदगी में ऐसे हुआ था कि हमारे कोई सब्सक्राइबर ने हमें ढूंढ लिया। जब हमारा ने कहा था मुझे ढूंढ लो अगर इतना है तो, मतलब तो उन्होंने हमें ढूंढा था, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की होगी हम लोगों को, उन्होंने पता नहीं था कैसे ढूंढा होगा। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया आरजे भाई का, दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत खुशियाँ दिखाए अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में, आपको सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अगर आरजे भाई ना होते तो हम लोग शायद ये पेमेंट ना पकड़ पाते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो हम लोग ना उनके चैनल का लिंक डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके लास्ट में ना देखिएगा। आप लोग ये ना समझिएगा कि उन्होंने मुझे कहा ऐसे करने के लिए, मैं अपने दिल ही खुशी से, मैं अपनी खुशी से कर रहे हैं, हम लोगों को उन्होंने नहीं कहा, हम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हाँ जी, तो आप लोग जरूर जाके उनको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उनको देखिएगा, उनका भी चैनल है। तो वो अगर वो ना आते ना घर हमारा तो हम लोग, वाकई हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोगों ने ये भी करना है, नहीं पता था। और पूरे 3 घंटे वाली स्टार्टिंग थी, पूरे 3 घंटे और हमें वो पता ही नहीं थी, हमने बस ये सोचा था कि पिन आएगी ये लगा देनी है, बस आगे क्या है कुछ नहीं पता। नहीं ये नहीं पता था, उन्होंने बताया। हाँ वो ना वो मांगता है टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, वो उन्होंने हमें वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत बड़ी है, वो देनी पड़ती है, वो बहुत लंबी होती है, हमें पता ही नहीं था उसका, हमें बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो ये जस्ट हमें उन्होंने बताया था। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरजे भाई। और कोई कह रहा था अगर आकड़ वाला चाचे, आकड़ वाले चाचे ने धक्का दे दे तो पानी डिग जावे, तो तुसी कहना कि लूसो ने सुटिया, लूसो ने। सो गाइस, मेरी बहन की बाजू लखने वाली हो गई है, तो मैंने सोचा ला बहन मुझे पकड़ा, इतना भारी है गाइस ये मोबाइल, ऊपर से ऐसे पकड़ो ना फिर बाजू थक जाती है। तो कोई मसला नहीं है, मैंने पकड़ लिया, अब तुम बोलो। बस यही बोल रहा था कि वो कल एक कमेंट आया था हमारा, आकड़ वाले चाचे को ना गटर के पानी, बारिश के पानी में फेंक दे गटर वाले में, तो बाद में कह दे पुप्पो लूसो ने फेंक पुप्पो लूसो ने फेंका है। और सैयदा इकरा बहुत ज्यादा कमेंट करती हैं, बहुत ज्यादा मेरे लिए थैंक यू सो मच इकरा, बहुत शुक्रिया आपका इतना ज्यादा प्यार देने के लिए कमेंट सेक्शन में। तो आप मुझसे नाराज बिल्कुल भी ना हो, मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती है, मेरी तरफ से भी हम दोनों हार्ट बनाते हैं इकरा सैयदा के लिए। आई लव यू फ्रॉम इकरा, सैयदा है ना। और अभी हम लोग चलते हैं अब इधर से, क्योंकि हम लोग वो निकलवा लें, फिर घर भी जाना है। चलो ठीक है, तो गाइस अब हम लोग घर जाके आपसे बाकी बातें करते हैं। बोतल पकड़ ले कोई चुप के ले जाएगा, दी सोनी मैं, दी सोनी की मेरी बोतल ये दी सोनी, मैं तो हर चीज में हाथ ला दूंगा ना, तो सोना बन जा ये मेरी पप्पी, असि दोनों किसी चीज में हाथ ला दे ना, क्या पप्पी का पाया टट्टी बन गई होवे। पिछले भी लोग में आप लोगों को आवाज़ सुन नहीं, इसका मतलब मुझे बहुत ऊंची ऊंची ना बोलना चाहिए फिर आपको आवाज़ आएगी। सो गाइस, आई नो कि आप लोगों को आजकल का व्लॉग देखने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आप लोगों को आजकल के व्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे, और रीज़न ये है कि मेरी गर्दन में बल भरा हुआ और अमरीना बेचारी वैसे किसी काम की नहीं है, उसको तो कैमरा खोल दो बस फिर वो शुरू हो जाती है, कही जाती है मैंने दसी जा मैं सोनी लगती पई हैं, सोनी लगती पई हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही तबीयत थोड़ी सेट होती है फिर हम लोग ना
आएंगे एक अच्छा सा कंटेंट लेके। अभी फिलहाल आप लोग हमारे व्लॉग्स ऐसे ही थोड़ा सा इंजॉय करें और अपने में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें और कमेंट लाजमी किया करें। ओके, मिलते हैं किसी अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।